देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजा, तो इसमें से डालूंगी आधा, इतना शिमला मिर्चा, इतना गाजर, दो आलू, गोभी, और इसको पाव रोटी है तो इसको भाजना है, तो यही ये भाजा हुआ वो पाव रोटी हुआ। तो पाव भाजी मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा। देखिए वो गाजर है, वो बीट गाजर दिखाई थे वो उबल गया, अब इसको पूरा तो पेस्ट करना है, तो इसको मैं मिक्सर में चलाऊंगी। ये गोभी है, आलू है, उसके बाद में ये फ्राई होगा। इसमें थोड़ा तेल है, थोड़ा सा बटर भी है, एक प्याज है। मिक्सर में पेस्ट हो गया है, एक टमाटर, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, जीरा, स्वाद अनुसार नमक, पाव भाजा मसाला एक चम्मच। मसाला भी फ्राई हो गया, इसमें डाल दिए सब मसाला, तो आगे दिखा दिए थे। इसके बाद ये फ्राई हो गया मसाला, आई ये भी हो गया पाव भाजा, ये भाजा हो गया, पाव अब भजाएगा। इसमें बॉर्डर बटर लग गया, अभी अलग हो गया, पाव भाजा टेस्टी और स्वादिष्ट देखिए बन गया। अब इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, घर के बनाया हुआ है फ्रेश से, बच्चे को भी खिलाइए और सभी को अच्छा लगेगा।